सवाल ये है सर, ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग भाजपा और प्रधानमंत्री का समर्थन करता है। ओबीसी समाज को गर्व है कि उनमें से एक आज देश का प्रधानमंत्री है, पर आपको क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस ओबीसी कमीशन को ब्लॉक करके समाज के साथ गलत कर रहे हैं? श्यामला जी, आप उडुपी से हैं, मैं हाँ सर, गुजरात का हूँ और है गुजरात सर, के द्वारिका का उडुपी के साथ विशेष नाता है। तो भगवान यस सर, द्वारकाधीश की ये धरती, भगवान श्री कृष्ण की धरती हमारा विशेष नाता है और हाँ आपने सर, ओबीसी समाज की चिंता की। मैं मानता हाँ हूँ सर, कि समाज में अगर विकास सही नहीं होता है, अगर पिछड़ा समाज की कोई केयर नहीं करेगा, तो वो जो समाज आगे हैं उनको भी पीछे खींच के ले जाएंगे। अगर देश को आगे बढ़ाना है, जो नीचे के तबके के लोग हैं उन्हीं को ऊपर उठाना होगा। हमारी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ओबीसी समुदाय का विकास, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से है। और अब जैसा आपने कहा, मैं स्वयं उसी समाज में पैदा हुआ, वहीं से पला बढ़ा और कैसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है ये स्वयं मैं अनुभव करके आया हूँ, उसे जी करके आया हूँ। और अगर ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो ये खुद को भी आगे ले जा सकते हैं, देश को भी आगे ले जा सकते हैं। और हमने इस समुदाय के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। ओबीसी जातियों को ओबीसी की केंद्र सरकार की सूची में शामिल करने या बाहर निकालने की ही सिफारिश करने वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास बहुत ही सीमित अधिकार है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, हमने इस दिशा में प्रयास शुरू किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कांग्रेस की सरकारों में 20-20, 25-25 साल से ओबीसी समाज, ओबीसी एमपी, ओबीसी एमएलए ये मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए सोचा तक नहीं। उनको क्या तकलीफ थी मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। हर बार उसमें रोड़े अटकाते रहे, समाज मांग करता रहा और कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती रही। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने से रोकने के लिए ही कांग्रेस ने संसद को चलने नहीं दी। और ये मैं गंभीर आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर। ये समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण का हम काम कर रहे थे, उसमें उनको राजनीति दिखती थी और इसलिए पार्लियामेंट को ही चलने नहीं दिया।